गाइज आईफोन 15 सीरीज से रिलेटेड जो भी लीक्स और रूमर्स है वो और ज्यादा हो गए, क्योंकि लॉन्च में सिर्फ 1 या 2 महीने ये, मतलब सितंबर में ऑब्वियसली इसका लॉन्च हो जाएगा, ज्यादातर यही एक्सपेक्टेशंस है। और इसी हिसाब से गाइज जो इसके शेड्स है उनकी भी काफी जबरदस्त लीक्स निकल के आई है, मतलब कौन कौन से शेड्स में हमें आईफोन जो है ना वो देखने को मिल सकता है इस बार पूरी 15 सीरीज। और ऑब्वियसली इस वीडियो के एंड में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एक बोनस शेड, जी हाँ वो क्या रहेगा वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर वन बाय वन गाइज मैं आपसे बात करूंगा सारे कलर्स के बारे में जो इस बार हमें आईफोन 15 सीरीज में देखने के लिए मिल सकता है। अब गाइस जो सबसे पहला कलर है वो सायन है एक्चुअली, और सायन कलर में इस बारे में आईफोन 15 प्लस देखने के लिए मिल सकता है। वैसे गाइस ये जो कलर है ये एक्चुअल में ब्लू कलर होता है, बट थोड़ा इसमें ग्रीनिश लुक भी आता है अगर आप इसको सनलाइट में ले जाते हो तो। लेकिन गाइस यहाँ पर सायन कलर में देखिए ज्यादातर आईफोन इतने नहीं आए हैं, और ये कलर जो है ना सुनने में आया कि 15 सीरीज में कंपनी इंट्रोड्यूस करने वाली है, और ऑब्वियसली अब तक कोई ऐसा फोन आया नहीं है साइन कलर में, तो यहाँ पर इसका प्रोटोटाइप निकल के आया और ये कुछ इसी तरीके का जो है ना हमें देखने के लिए मिल सकता है। गाइज एक लाइट ब्लू कलर भी हमें आईफोन 15 सीरीज में देखने के लिए मिल सकता है। अब गाइज ये वीडियो में ऑब्वियसली लाइट ब्लू थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन गाइज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ना एक स्काई ब्लू कलर का फोन रहेगा, और ऑब्वियसली काफी टाइम से एप्पल अपने फोन में ये कलर लॉन्च कर रहा है, तो यहाँ पर 15 सीरीज में भी ये कलर हमें देखने के लिए मिल सकता है। फाइनली गाइज जो थर्ड कलर की लीक निकल के आई है वो पिंक है, जी हाँ पिंक कलर जो है ये कंपनी ने आईफोन 12 सीरीज से स्टार्ट किया था, 12 में आया, 13 में आया, 14 में आया, अब दोस्तों न्यूज है कि ये सेम कलर हमें 15 सीरीज में भी देखने के लिए मिल सकता है। और ऑब्वियसली पिंक कलर तो आपको में ज्यादातर लड़कियां बहुत पसंद करती है उसको, लेकिन हाँ कलर ऑब्वियसली काफी अच्छा है, काफी कूल लुकिंग कलर हमें देखने के लिए मिलता है पिंक में भी। गाइस जो अगला कलर है वो तो ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज, मतलब बिना सब्सक्राइब करा वीडियो को देखते हो तो सब्सक्राइब करके अगर आप वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छा होगा, मतलब हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा वीडियोस डालने का, और अगर आप वीडियो को लाइक कर दोगे तो और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि वीडियो के लाइक्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली जो रैंकिंग होती है वीडियो की वो और अच्छी होती है, तो उससे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज इसको बोलना मत। अब गाइस मिडनाइट ब्लैक में भी हमें फोन देखने को मिल सकता है। अब देखिए ये जो मिडनाइट है ये एक्चुअली में एक टर्म है जो एप्पल ने अपने फोन्स को दिया है, यहाँ पर ऑफ ब्लैक एक्चुअली में एक कलर है ये, और ये कलर काफी अमेजिंग है, काफी टाइम से कंपनी इस कलर को लॉन्च कर रही है, और यहाँ पर 14 सीरीज में भी जो ना दोस्तों हमें ये कलर देखने को मिलता है। और इस कलर की सबसे अच्छी बात यह है कि आउटडोर्स में ये कलर और भी ज्यादा जो ना दोस्तों वो खिल के आ रहा है, यहाँ पर ऑब्वियसली जो मिडनाइट कलर्स है एप्पल आईफोन्स में वो काफी फेमस भी है, तो इसमें तो मिलना ही चाहिए यार फोन। अब दोस्तों बात आ जाती है प्रोडक्ट रेड की, अगर आपको प्रोडक्ट रेड नहीं मालूम है तो गाइज इसका एक अलग हिस्ट्री है एप्पल की तरफ से। वैसे गाइज इसमें काफी टाइम से कंपनी जो ना वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, यहां तक कि सिर्फ एप्पल डिवाइसेस नहीं बल्कि कंपनी ने दूसरे डिवाइसेस भी प्रोडक्ट रेड में लॉन्च किए हैं। और एक चीज ये भी है कि अगर आप आईफोन प्रोडक्ट रेड में परचेस करते हो तो एप्पल जो है ना दोस्तों उसकी अर्निंग का कुछ पार्ट जो है वो चैरिटी में देता है। यहाँ पर प्रोडक्ट रेड अगर हम देखेंगे एज अ कलर तो ऑब्वियसली काफी जबरदस्त लगता है आईफोन में। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिल्वर कलर के बारे में, जी हाँ क्योंकि यहाँ पर हमें आईफोन 15 सीरीज में खास तौर से प्रो सीरीज में सिल्वर कलर भी देखने को मिल सकता है। अब ये जो सिल्वर कलर है गाइस ये काफी टाइम से कंपनी ने लिमिट करके रखा है सिर्फ प्रो सीरीज में, यहां तक कि आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में हमें सिल्वर कलर देखने को मिलता है, लेकिन 15 सीरीज में दोस्तों ऐसी न्यूज है कि जो सिल्वर कलर है वो आईफोन 15 प्लस में भी आ सकता है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा गोल्ड कलर के बारे में, जी हाँ यहाँ पर आपने काफी टाइम से एप्पल की जो भी नई सीरीज आती है तो उसमें आपने गोल्ड कलर भी सुना होगा, और वो एक्चुअल में गोल्ड रहता है, उसका प्राइस भी उतना रहता है और उसका कुछ मतलब नहीं होता, सिर्फ फोन रहता है, ऑलरेडी एक फोन तो इतना महंगा है और उसके बाद में और गोल्ड ले लो, मतलब वो सब अमीरों के नाटक है। लेकिन गाइस यहाँ पर जो एक्चुअल में एप्पल का गोल्ड कलर है वो काफी अमेजिंग लगता है, और इस गोल्ड कलर में गाइस मुझे सबसे जबरदस्त चीज लगती है जो इसके फ्रेम्स है, जी हाँ इसके फ्रेम्स और भी ज्यादा शाइनी लगती है, और ऑब्वियसली आउटडोर्स में तो ये और भी अमेजिंग है, अगर आपने इन हैंड फील किया रहेगा गोल्ड कलर का तो वो काफी जबरदस्त है, और काफी टाइम से ये चलता हुआ आ रहा है, मतलब ये हुआ कि खासतौर से अगर मैं गोल्ड कलर के बारे में बात करूंगा तो इसका एक अलग से फैन बेस है एप्पल आईफोन की सीरीज में, तो इसमें भी चलो दोस्तों हमें आईफोन 15 सीरीज देखने के लिए मिल सकता है। फाइनली गाइज अब जो कलर के बारे में मैं आपसे बात करूंगा वो है डार्क रेड, जी हाँ अब ये डार्क रेड कलर जो है ना दोस्तों ये लीक्स निकल के आई है कि आईफोन 15 सीरीज में कंपनी नया कलर इंट्रोड्यूस करने वाली है जो कि डार्क रेड है। अब ये जो है ना दोस्तों काफी अमेजिंग कलर लगता है, मतलब यहाँ पर देखिए कंपनी का एक ऐसा ट्रेंड रहा है कि कंपनी जब भी कोई नई सीरीज निकालती है तो उसमें एक नया कलर इंट्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन 14 सीरीज में कंपनी ने डीप पर्पल इंट्रोड्यूस किया, और ऑब्वियसली कलर भी काफी अमेजिंग था, काफी कूल लुकिंग कलर था डीप पर्पल। इसी हिसाब से गाइस ऐसी न्यूज है कि कंपनी अभी
डार्क रेड इंट्रोड्यूस करने वाली है आईफोन 15 सीरीज में। काफी अमेजिंग कलर लगता है, खास तौर से इसके फ्रेम्स जो है वो काफी अमेजिंग लगते हैं। मतलब मैं 100% श्योर कि जब ये भी लॉन्च होगा ना डार्क रेड भी, तो ये भी आउट ऑफ स्टॉक ही रहेगा। मैं भी जब दोस्तों 14 सीरीज में जब 14 प्रो लेने के लिए गया था, तो भाई डीप पर्पल तो काफी टाइम तक नहीं मिला था, लेकिन भाई हमें तो कंटेंट डालना था, तो मुझे फिर जो मिडनाइट कलर है वो लेना ही पड़ा इसका। बट डार्क रेड जो ना दोस्तों आईफोन 15 सीरीज में काफी अमेजिंग हो सकता है, और मैं तो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ इसको इन हैंड फील करने के लिए। एंड आई एम 100% श्योर कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखा होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। इसी तरीके से आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।